टू सेकेंड इयर आर्ट्स पिला मानकर जो हिस्ट्री रहिला हैला जो इंटरनल एग्जाम हम से आम कौन करा गोटे डेमो क्वेश्चन सेट इंटरनल एग्जाम पे आम आलोचना करवा वीडियो रे हैला हिस्ट्री पिला माने वीडियो को गोटे गोटे लाइक कर दियंतु जदि चैनल को CHSE लर्निंग हूँ चैनल को जो पे नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। देख पाने तुम्हारा हिस्ट्री रो इंटरनल एग्जाम रे यूनिट वन रो प्रश्न आसीबो हैला यूनिट वन फुल मार रहिबो 20 समय रहिबो 45 मिनट हैला। एक नंबर प्रश्न रे तुम पांच टी एमसीक्यू प्रश्न रहिबो, दुई नंबर प्रश्न रे तुम पांचटा दुई मार्किया प्रश्न रहिबो सेतर तुम तीनटा प्रश्न उत्तर दबो 2 × 3 = 6 मार्क। तीन नंबर प्रश्न रे पांचटा तीन मार्किया प्रश्न रहिबो सेतर तुम तीनटा प्रश्न उत्तर दबो 3 × 3 = 9 मार्क। एभली करी 20 फुल मार्क 20 रहिबो, 20 मार्क रो परीक्षा हम लॉन्ग क्वेश्चन आसवानी है केवल एक मार्किया दुई मार्किया तीन मार्किया बुझा पड़ी। देख आम आलोचना करवा प्रथम प्रश्न देख एमसीक्यू प्रश्न मुद्रा नथिले केउ मानक इतिहास अज्ञात हो रही था। ये ऑप्शन गुड़िक अच्छे मौर्य शासक, गुप्त शासक, इंडो ग्रीक शासक, इंडो यूरोपीय शासक। देख मुद्रा नथिले इंडो ग्रीक शासक है ये इंडो ग्रीक शासक इतिहास अज्ञात हो रही था जब मुद्रा न था। नेक्स्ट प्रश्न देख पल्लव मानकर स्थापत्यर निदर्शन केउठारे देखिबाकु मिलिथाय हैला एटी ऑप्शन अछि दशावतार मंदिर, मामालपुर मंदिर, भितरगांव मंदिर एवं भूमार मंदिर हैला। मामालपुर मंदिर रे पल्लव मानकर स्थापत्यर जो निदर्शन सेटी देखिबाकु मिलिथाय हैला। नेक्स्ट प्रश्न हरप्पा सभ्यतार केउ अंचलरु एक पोताश्रयर संधान मिलिछि हैला उत्तर हबो लोथाल हैला। आर्य मानकर परिवारर मुख्यंकु कोन कहा जाय फुलप बोली कहुए क्यों महाजनपद पारसिक मानक द्वारा अधिकृत होता अवंती कुशल गांधार वत्स कौन हम उत्तर हम गांधार हैला। अच्छा नेक्स्ट प्रश्न को जीवा देख नेक्स्ट प्रश्न हूँ दी मार मैं दुई नंबर प्रश्न जेकोसी तीनोटी प्रश्न उत्तर दुई रु तीनोटी वाक्य लिख हैला दुई रु तीनोटी वाक्य लिख पांचटा प्रश्न अच्छे ए बी सी डी ई हो पांचटी प्रश्न अच्छे तुम्हें कौन करो जेकोसी तीनोटी प्रश्न उत्तर दबो गोटे प्रश्न मिले दुई मार्क हेले तीनोटी प्रश्नर उत्तर दे तुमको 6 मार्क मिल। प्रथम प्रश्न हूँ प्रत्नतत्व कहले कौन बुझ क्यों बड़लाट समय प्रत्नतत्व को एक स्वतंत्र विभाग रूपे प्राचीन इतिहास पृथक करागला हैला। एटे दुईटा प्रश्न अच्छे दुईटा प्रश्न उत्तर दे दी मार्क प्रश्नोत्तर कहले कौन बुझ डेफिनेशन लिखले 1 मार्क एवं ये प्रश्न उत्तर दे 1 मार्क हैला। उत्तर लिख भूखनन द्वारा मनुष्यर प्राचीन कालर मुद्रा लिपि और भग्नावशेष को वैज्ञानिक पद्धति आविष्कार और अनुध्यान करने कार्य को प्रत्नतत्व बोली कहा जाए गोटे वाक्य आउ लिख बड़लाट लॉर्ड कर्जन का समय रे प्रत्नतत्व को एक स्वतंत्र विभाग रूपे प्राचीन इतिहास पृथक करागला हैला। दी मार्क दुईटा वाक्य लिख दुईटा प्रश्न अच्छे हैला। तापर माला विकाग्नि मित्रम लेखक किए क्यों श्रृंग राजा विषय से ही ग्रंथ रे लेखा जाइछि उत्तर कौन लिख माला विकाग्नि मित्रम लेखक लेखक कवि और नाट्यकार कालिदास अटंती हैला कालिदास क्यों श्रृंग राजा विषय से ही ग्रंथ लिखा जाए उत्तर लिख कौन ना श्रृंग राजा पुष्यमित्र श्रृंग विषय पुष्यमित्र श्रृंग विषय से ग्रंथ रे वर्णना करा जाई हैला। नेक्स्ट प्रश्न अच्छी कौन स्मारक अभिलेख कौन यार दुईटी उदाहरण दियो उत्तर लिख स्मारक अभिलेखरे जड़े शासकों राज्य शासन संपर्कित महनीय घटना मान स्थान पाला सम्राट अशोकों लुंबिनी अभिलेख है ये गोटे आ गोटे सम्राट खारवेल हाथी गुंफा अभिलेख हूँ यार जीवंत उदाहरण स्मारक अभिलेख। तापर नेक्स्ट प्रश्न जीवा केबे ओ केउ मानक द्वारा हरप्पा संस्कृति आविष्कृत होता लिख 1921-22 ख्रीष्टाब्दे सार जॉन मार्शल राखालदास पानार्जी एवं दयाराम साहणी परी प्रत्नतत्वित मानकर प्रचेष्टा रे दुई प्राचीन नगरी हरप्पा और महिंजो द्वारा भग्नावशेष माटी तलु आविष्कृत होता बास दुई को दुई पाइबो
तापर नेक्स्ट प्रश्न अछि महाकोशल केउ राज्यर राजा थिले से केउ वंश ओ तांको कन्या को नाम कोन थिला हेड देखो टिके छोटो कर दउ छी महाकोशल केउ राज्यर राजा थिले से केउ वंश ओ तांकर कन्या को नाम कोन थिला हला उत्तर लिखिबो महाकोशल कोशल राज्यर राजा थिले हला कोशल राज्य राजा थिले एवं से केउ वंशर थिले से थिले इक्ष्वाकु वंश हला इक्ष्वाकु वंश इक्ष्वाकु वंशर से थिले तापरे तांको कन्या को नाम थिला कोशल देवी मन रहला पिला माने तीन नंबर प्रश्न जेकोसी तीनोटी प्रश्नर उत्तर पाँच रु छटी वाक्य लिख सेमती पांचटा प्रश्न थी तीन मार्किया तुम्हें कौन करेकोसी तीनोटी प्रश्नर उत्तर देव पाँच रु छटी वाक्य तीन मार्किया प्रश्न लिखा है तीन तीन सामान नौ मार्क क्यों क्यों उपादान गुड़िक प्राचीन भारत इतिहास रचनापी सहायक होता है लिख प्राचीन भारत इतिहास रचनापी आम मुख्यतः तीन प्रकार उपादान उपरे निर्भर करगुड़िकला प्रत्नतात्विक उपादान साहित्यिक उपादान एवं अभिलेखागारीय उपादान है प्रत्नतात्विक उपादान को तीन भाग में विभक्त करथा खोदित लेखा बा लिपि प्रत्नतात्विक ध्वंसावशेष और स्थापत्यराजी एवं मुद्रा से हीपरि साहित्यिक उपादान को मध्य तीन भाग में विभक्त करथा धर्मीय साहित्य लौकिक साहित्य एवं वैदेशिक बरणी अभिलेखागारीय उपादान होना ना जो सरकारी चिठी व्यक्तिगत कागजपत्र दलिल और दस्तावेज खबरकगज पत्र पत्रिका पत्र विनिमय इत्यादि है यहाँ हूँ उपादान जोटा कि प्राचीन भारत इतिहास रचना सहायक होता है। नेक्स्ट प्रश्न अच्छी ह्वेनसांग संबंध में संक्षेप लेख है पाँच रु छा वाक्य तुम लिख लिख ना प्राचीन भारत वैदेशिक भ्रमणकारी मध्य ह्वेनसा अन्यतम हर्षवर्धन राजत्व समय से भारत परिभ्रमण से आसी से छश ख्रीटाब्दर छः चौरालीस ख्रीटाब्दर माने ख्रीटाब्द पर्यंत दीर्घ चौद वर्ष काल भारत कौनज थानेश्वर तापर कंगोद नेपाल और नालंदा प्रभृति विभिन्न स्थान भ्रमण करते से सीयूकि नामक ग्रंथ रचना करते कौन सीयूकि हाँ सीयूकि से सीयूकि नामक ग्रंथ रचना करते हर्षंकर राज्य जय शासन नीति और धर्म विषय से बहु उपादेय विवरणी प्रदान करते हैं से प्रयाग और कौनज धर्मसभा कथा उल्लेख करसा आउ गोटे कथा लिख ह्वेनसा नालंदा विश्वविद्यालय दस हजार छात्र अध्ययन करुवर वर्णना करसा ओडार पुष्पगिरी नामक विश्वविद्यालय देखा जाइले है लिख पाँच रु छा वाक्य लिखे नेक्स्ट प्रश्न अच्छी कौन ना आर्य मानकर प्राचीन साहित्य वेद संपर्क संक्षेप लेख लिख वेद हूँ आर्य जातिर प्राचीन साहित्य यह संस्कृतर विद धातुर उत्पन्न है वेद कौटे ना विद धातुर उत्पन्न संस्कृत जार अर्थ ज्ञान आहरण करवा जो विद्र अर्थ हूँ ज्ञान आहरण करवा मुख्यतः वेद ही प्राचीन आर्य मान ज्ञान गंताघर अटे यह पुरुषानुक्रमे वैदिक जुगर वंशधर मान शुणी शुणी मन रखुले यार अन्य नाम थी श्रुति यह चारि भारि व्यक्त जथा ऋग्वेद सामवेद जदुवेद एवं अथर्ववेद है। अच्छा नेक्स्ट प्रश्न कौन अच्छे देखा ना ये देख चतुर्वर्ण कहले कौन बुझ उत्तर कौन लिख ना परवर्ती वैदिक जुगरे एक सामाजिक परिवर्तन लक्ष्य करा जाइथिला समाज विभिन्न सेवापाई आर्य मैंने मुख्यतः तो चारि गोटी वर्ण में विभक्त होते जथा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र है समय अनुक्रम चारोटी वर्ण चारोटी जाति में परिणत होता जो मैंने धर्म कार्य संपादन करते से ब्राह्मण नाम अभिहित होते जो मैंने युद्ध क्षेत्र में मानने मानने व्यस्त रोते है से मैंने व्यस्त रोते से कौन कहते क्षत्रिय कह जाऊला जो मैंने युद्ध क्षेत्र में मैंने कौन जो मैंने प्रजा मान सुरक्षा देवाई युद्ध क्षेत्र में लिप्त रोते से क्षत्रिय कह जाऊला जो मैंने वाणिज्य व्यवसाय करुले से वैश्य कहगला और जो मैंने उपरिस्थ तीन श्रेणी लोक मान सेवा कले से शूद्र कहगला मोटामोटी भाव यही चार श्रेणी कौन कह जाए चतुर्वर्ण बोली कहुए तपर नेक्स्ट प्रश्न अच्छी मगध महाजन पद विषय संक्षेप लेख हला सेमती देख पांचटा प्रश्न तुम जेको तीनो प्रश्न उत्तर दबो मुझे खाली तुमको यहाँ आलोचना करदे
लिखिबो मगध महाजनपद संक्षेप लिखिबो ना आधुनिक पटना और गया जिला को नहीं तत्कालीन मगध जनपद गठित होता मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य में परिणत होता बिम्बिसार एवं अजातशत्रु भाई वरिष्ठ राजा मैंने मगध को मानने एक साम्राज्य रूप देते एमती आ दुटा खंडे वाक्य लिखिबो ओके ये थिला तीन मार्किया प्रश्न तीनोटी नौ मार्क दुई मार्किया प्रश्न तीनोटी छ मार्क नौ छ पंद्रह एवं एमसीक्यू पांच मार्क कोड़े मार्क प्रश्न तुम हिस्ट्री पे गोटे सेट आलोचना कले परवर्त भिडियो नेक्स्ट सेट गोटे आलोचना करवा तपूर्व जो मैंने आम भिड देखुं भिडियो को लाइक कर दिंतु गोटे गोटे नुआकर चैनल को आसते सब्सक्राइब कर दिंतु है आम ग्रुप ह्वाट्सअप नंबर हूँ 6371261213 है देख प्लस टू सेकेंड रे लिखी मेसेज कले मुझे सेकेंड ग्रुप करदेवी पर तुमको सिलेक्शन पे दिज्वे बोर्ड परीक्षा पर है चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु एवं ह्वाट्सअप ग्रुप एड हो जा रुचि पे बंदी उत्कल जननी।